आजकल लोगों को अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण बालों से जुड़ी काफी समस्या हो रही है, जिस कारण लोगों के बाल कम एज में ही व्हाइट होने लगे हैं। उसके सिवा टेंशन और अनहेल्दी खाने के कारण हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स भी होती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हेल्थ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका असर बालों पे तो जरूर होता है, इसीलिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स में भी बाल ज्यादा गिरने लगते हैं। हमारे जनरल हेल्थ के बारे में बाल ज्यादा अच्छे से बताते हैं, क्योंकि बालों को हमारे बॉडी का एक नॉन असेंशियल हिस्सा माना जाता है। देखा जाए तो हमें जिंदा रहने के लिए बालों की जरूरत नहीं होती है, बालों को सिर्फ इंसान की सुंदरता का हिस्सा माना जाता है। इसीलिए हमारे बालों को पोषण पौष्टिक खाने से मिलता है, और जब हम पौष्टिक नहीं खाते हैं तो बालों के हाल खराब हो जाते हैं। इसीलिए विटामिन ई, विटामिन B12 और प्रोटीन्स हमारे बालों की अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो से बताऊंगी कि आपके बाल हेल्थ के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क स्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डैंड्रफ की परेशानी आजकल हर किसी को है, जिस कारण स्कैल्प ड्राई हो जाता है और बहुत खुजली आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डैंड्रफ होने की वजह क्या है? जब स्कैल्प में माइक्रोफ्लोरा इम्बैलेंस्ड होता है तब डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। कुछ फूड्स खाने से बॉडी में बैड फैट बढ़ता है, तब माइक्रोफ्लोरा इम्बैलेंस होता है। अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा है तो चॉकलेट और डेयरी प्रोडक्ट्स खाना अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे फूड से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और ऑयली स्कैल्प में डैंड्रफ ज्यादा बढ़ता है। प्रीमैच्योर ग्रेइंग, आजकल के यंगस्टर्स में कम एज में बाल सफेद होने की प्रॉब्लम बढ़ रही है, जिसकी वजह है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 कम हो जाने से बालों का नेचुरल ब्लैक पिगमेंट कम होने लगता है। डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि विटामिन B12 बढ़ने के लिए विटामिन B12 रिच फूड्स खाने चाहिए, जैसे कि ट्यूना और सैल्मन, या फिर विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। इची स्कैल्प, हमारे बालों की अच्छी हेल्थ सिर्फ विटामिन B12 पे डिपेंड नहीं करती है। बालों को विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स जैसे सारे एलिमेंट्स की जरूरत होती है। उसमें से ही एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिंक। जिंक हमारे बॉडी से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स प्रोसेस करने में मदद करता है, जिस कारण बालों की ग्रोथ बढ़ती है। हेयर लॉस, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के सिवा हेयर लॉस आयरन की कमी के कारण भी होता है। फेरिटिन नाम के ब्लड सेल प्रोटीन में आयरन होता है, और बालों की ग्रोथ के लिए आयरन और फेरिटिन प्रोटीन मैक्सिमम होने की जरूरत होती है। जब आपके बॉडी में आयरन की कमी होती है तब थकान, कमजोरी और हेयर लॉस जैसी समस्याएं होती है, और इसीलिए बॉडी में आयरन की क्वांटिटी बढ़ने के लिए स्पिनच जैसे आयरन रिच फूड्स इंक्लूड करें। स्प्लिट एंड्स, महिलाओं में स्प्लिट एंड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिस कारण बालों की ग्रोथ और टेक्सचर खराब हो जाता है। पर क्या आप स्प्लिट एंड्स होने की वजह जानते हैं? वजह बताने से पहले जरूरी बात बताना चाहती हूँ, हमारे बालों का एक सिंगल स्ट्रैंड 25% वाटर से बना होता है। इसीलिए जब आप जरूरत जितना पानी नहीं पीते हैं, बॉडी के जैसे बाल भी डिहाइड्रेट होते हैं, जिस वजह से स्प्लिट एंड्स होने के बाद बाल रूखे सूखे दिखते हैं। अगर आपको बाल अच्छे सुंदर चाहिए तो दिन में एटलीस्ट 8 ग्लास पानी पीना जरूरी है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे आपके बाल आपकी हेल्थ कैसी है उसके बारे में बताते हैं। अगर आपको अच्छे बाल चाहिए तो अपने बालों को एक पेड़ की तरह समझिए। जैसे पेड़ को पानी और जरूरत की चीजें देनी पड़ती है उससे वो ग्रो होते हैं, उसी तरह आपके बालों को जरूरत चीजें मिलेगी तो वो भी अच्छे से ग्रो होने लगेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन सभी के साथ शेयर तो जरूर करें, और अगर आपके पास इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद। We'll be right back.